नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से पिछले हफ्ते लापता हुआ सेना का एक जवान जावेद अहमद वानी सकुशल मिल गया है। इस खबर को सुनकर वानी के घर में खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ वानी की मेडिकल जांच कराए जाने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें कि लद्दाख में तैनात जावेद अहमद वानी गत शनिवार को अपने पैतृक स्थान कुलगाम जिले से उस समय लापता हो गया जब वह छुट्टी पर आया था। उनकी तलाश में सेना और पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान की सफलता की खबर तब सामने आई जब गुरुवार को कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा, सेना के लापता जवान को कुलगाम पुलिस ने ढूंढ लिया है। मेडिकल जांच के तुरंत बाद संयुक्त रूप से पूछताछ शुरू होगी, आगे की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस ने जावेद अहमद वानी के लापता होने के संदर्भ में पूर्व में कोई विवरण नहीं दिया था, लेकिन आशंका थी कि आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया है। वानी की कार गत शनिवार शाम को परनहाल में मिली थी, जिसके बाद उनका पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू किया था। इस बारे में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने अभी दो दिन पहले ही कहा था कि पुलिस और सुरक्षा बलों को कुलगाम जिले से लापता सेना के जवान के सुराग मिले हैं और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही जवान का पता लगा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जांच दलों ने इस मामले के संबंध में कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की थी। हम आपको यह बता दें कि जावेद अहमद वानी को लद्दाख क्षेत्र में तैनात किया गया था और उसे रविवार से अपनी ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन वह शनिवार शाम से लापता हो गया था। उसके लापता होने के बाद उसके पिता ने अपहरणकर्ताओं से उसे छोड़ने की अपील की थी, क्योंकि वह परिवार में अकेला कमाने वाला है। वानी के पिता मोहम्मद अयूब वानी ने संवाददाताओं से कहा था कि मैं सभी भाइयों से उसके बेटे को जीवित छोड़ने की अपील करता हूं। अगर उसने किसी को परेशान किया है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। अगर वो चाहते हैं तो मैं उसकी नौकरी छुड़वा दूंगा। हम आपको यह बता दें कि छुट्टी के दौरान कश्मीर में लापता होने वाला वानी चौथा जवान था। इससे पहले आतंकवादियों ने मई 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फयाज का शोपियां जिले में उनके चाचा के घर से अपहरण कर लिया था, जहां वे एक शादी में शामिल होने गए थे। फयाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह आतंकवादियों ने सेना के जवान औरंगजेब को अगवा कर लिया था, जब वह जून 2018 में पुलवामा जिले से अपने घर पूंछ जा रहे थे। आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और इसका एक वीडियो भी जारी किया था। एक अन्य जवान समीर मल्ला का भी आतंकवादियों ने मार्च 2022 में अपहरण कर लिया था, जिनका शव 3 दिन बाद बडगाम जिले में मिला था। बहरहाल जावेद अहमद वानी के सकुशल मिल जाने से उनके घर वालों ने राहत की सांस ली है। तब से कल शाम तक मैं उनके सामने दामन फैलाता था, माफी मांगता था, उनके पैर में टोपी डालता था। मैं पहले उनका शुक्रगुजार है जिन्होंने इस माफी नामे पर गौर करके जावेद अहमद को रहा किया। यही दिन था संदिचित का दिन। अशे के बाद मुझे खबर मिली कि जावेद साहब को किसी ने अगवा करके लिया। आज कल जुमा के दिन उसी वक्त अशे के बाद मुझे खबर मिली कि जावेद अहमद मिल गया। हम फौज के पुलिस के ट्रांसपोर्ट के एसपी साहब के डीसी साहब के एसएसपी साहब के खास कर मीडिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिनकी अंत तक कोशिश से हम इस मसले में कामयाब हुए। कल तक लोग जावेद अहमद की माँ और बाप को ताजत के लिए आते हैं। आज वही लोग मिठाई लेकर उनको मुबारकबाद देते हैं। कल गम का मातम था चारों तरफ। हम साया गांव वाले रिश्तेदार गम में डूबे थे। आज हर खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। हम आखिर पर उनको मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने दा के साथ, हाथ के साथ, पैरों के साथ, कलम के साथ, कलाम के साथ हमारा मदद किया। खासकर मीडिया वालों के हम बहुत ही शुक्रगुजार है, जिनकी वसादत से हमारी ये खबर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। हम इस मकसद में कामयाब हुए। आखिर पर मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूं, जो बच्चे अभी भी आपके पास है उनको भी रहा करके, ताकि वो भी अपने माँ बाप के साथ खुशी की जिंदगी बसर करे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।